नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जो ये लड़ाई चल रही है आज, वो उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है कि कुछ न्यूज ऐसी आ रही है कि इसराइल ने सीरिया में स्थित रसिया का एयरबेस उड़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, पूरी खबर है कि आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि रसिया का एयरबेस इसराइल ने नहीं उड़ाया है, जो कि खबर चल रही है। दरअसल बात यह है कि सीरिया में रसिया का एयरबेस है, तो वहाँ पर ईरान कुछ हथियार भेजता है, क्योंकि ईरान को हिजबुल्ला को हथियार भेजने हैं, हमास को भेजना है। तो ये क्या करता है, ईरान सीरिया के दूसरे एयरपोर्ट वगैरह पे भेजता है, तो जिसे इसराइल आसानी से उन एयरपोर्ट्स को उड़ा देता है, वहाँ बॉम्बिंग कर देता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं एयरपोर्ट। तो वहाँ कुछ टाइम तक कोई चीज़ भेज नहीं पाता है ईरान, तो इससे उसको बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसको हथियार पहुंचाना होता है हिजबुल्ला वगैरह के पास, तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए रशिया ने बोला कि ठीक है, आप वहां से नहीं भेज पा रहे हो, हमारा एयरबेस है यहां पर, तो ऐसा करो आप हथियारों को यहां पर ले आओ, और यहां पर फिर उसी एयरबेस के पास ही एक वेपन स्टोरेज करने की एक जगह है, तो वहाँ पर ये सारा स्टोर कर दिया जाता है, सारा हथियार। वहाँ रसिया के भी हथियार होते हैं और जो ईरान भेजता है वो भी हथियार होते हैं, फिर वो हथियार हिजबुल्ला को दे दिए जाते हैं, और वो फिर जो हथियार होते हैं इसराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, अब आपको ये समझ में और बता देता हूँ कि आखिर सीरिया में रसिया के पास ये एयरबेस आए कैसे। दरअसल दोस्तों, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब इन्होंने ये ठान रखी थी कि ये अच्छी तरीके से बॉम्बिंग करेंगे और सीरिया को पूरा तहस नहस कर देंगे। तो सीरिया को लगा कि हमें बराक ओबामा से किसी भी तरीके से बचना चाहिए, तो उसने बचने का तरीका देखा, उसको लगा कि इमीडिएट हमें रसिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लेना चाहिए, और रसिया को सीरिया के अंदर अब उसको अपनी मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह दे देनी चाहिए, जिससे रशियन सोल्जर यहाँ पर रहेंगे तो अमेरिका इसकी बॉम्बिंग नहीं कर पाएगा, कैसे भी करके तहस नहस होने से बच जाएगा सीरिया। तो हुआ भी ऐसा ही, उसने सीरिया ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और काफ़ी एरिया दे दिया, एयर बेसिस दे दिए वहाँ पर, रशिया के मिलिट्री बेस हो गया, वहाँ मिलिट्री वहाँ डिप्लॉयड है, रशियन वहाँ पे फाइटर जेट्स हैं, रशिया के वहाँ पे वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें सीरिया में हैं। तो ईरान उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो इसराइल ने देखा कि अब इनको वेपन की सप्लाई दूसरे एयरपोर्ट से नहीं हो पा रही है, ना ही कोई सी पोर्ट से हो पा रही है, तो उसने ये देखा कि अब यहाँ से हो रही, तो इसराइल ने अपना एक ड्रोन वहाँ भेजा और उस जगह की बॉम्बिंग कर दी जहाँ पे वेपन होते हैं। तो दोस्तों, अब उस वेपन वाली जगह पे जब किया तो इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, लगा कि इसराइल ने सीधे रसिया से अब एक मोर्चा और खोल लिया, अपना एक फ्रंट और खोल लिया वॉर के लिए, क्योंकि उसके एयरबेस पे अटैक हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, अब देखने वाली बात होगी कि रसिया इसराइल का जवाब कैसे देता है, क्योंकि वो स्टोरेज वाली जो जगह थी वहाँ पर सीरिया ईरान के भी हथियार थे और रशिया के भी हथियार थे। अब रशिया के साथ एक ये भी दुविधा है, वैसे तो सभी को मालूम है कि रशिया ईरान का और हिजबुल्ला वगैरह का समर्थन कर रहा है, लेकिन समस्या अब यहाँ पर है कि हिजबुल्ला को ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। अगर ये कहते हैं कि आपने यहाँ पे बॉम्बिंग करी है, वहाँ हमारा नुकसान हो गया, तो इसराइल पूछेगा कि वहाँ पे भी ईरान के हथियार हैं, वहाँ पे आपके जब एरिया है वो, तो ये हथियार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हथियार आखिर यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं, यही हथियार हैं फिर इसराइल के अगेंस्ट यूज होते हैं, हिजबुल्ला करता है, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल होगा रसिया के लिए एक्सेप्ट करना कि यहाँ पे बॉम्बिंग हुई है और वहाँ पे ईरान की चीज़ें भी रखी हुई हैं, हथियार रखे हुए हैं। तो रसिया कुछ और तरीका देखेगा इसका जवाब देने का। दोस्तों, अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, आखिर रसिया ईरान की ऐसी मदद कर क्यों रहा है, ऐसी क्या रीज़न है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और वो चल रहा है अभी भी, उसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा। तो ऐसे वक्त में
सिर्फ दो ही लोग हैं जो रसिया की मदद कर रहे हैं, एक ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। बाकी चाइना अगर मदद कर रहा है तो वो सामने से नहीं कर रहा, वो पीठ पीछे से कर रहा है। तो दोस्तों बनी हुई बात है, जब कोई भी चीज़, कोई भी देश, कोई भी दोस्त हमारी मदद कर रहा होता है तो जब उसका बुरा समय आएगा तो हम भी उसकी मदद करेंगे। तो रसिया और ईरान के बीच में यही चल रहा है इस वक्त। दरअसल रसिया ने अब जो मदद ईरान की करनी शुरू करी है, ये एक तरह से वो एहसान को उतार रहा है रसिया, क्योंकि ईरान ने इससे पहले रसिया को काफ़ी हथियार दिए, रसिया को अपना ड्रोन दिया, जो ड्रोन बहुत ही कारगर साबित हुआ है यूक्रेन की युद्ध में, रसिया को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो रसिया ऐसे समय पे ईरान की मदद कर रहा है क्योंकि ईरान इस वक्त फंसा हुआ है और युद्ध के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब इसराइल और USA दोनों ही ईरान को घेरने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इसका अगला मूव क्या होता है, और फिर इसराइल ने जो ये कदम उठाया है, क्या इसराइल ने ये भी संकेत दे दिया है क्या रसिया को कि आप ईरान से दूर हो जाइए, कि इस बार तो हमने आपके एयरबेस से थोड़ी दूरी पर ये अटैक किया है लेकिन ज़रूरत आने पर हम आपके एयरबेस को भी उड़ा सकते हैं। क्या ये मैसेज है रसिया के लिए, इसराइल का, कि हम किसी भी लेवल तक जाने के लिए रेडी हैं युद्ध में, आप ये मत सोचिए कि आप एक बड़े देश हैं तो हम रुक जाएंगे। हो सकता है ये भी मैसेज रसिया को दिया जा रहा हो, ये ईरान के इसराइल के द्वारा दिया जा रहा है या इसके पीछे USA ये मैसेज दिलवा रहा है रसिया को। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अब अगला मूव रसिया का क्या होता है, और फिर अभी इसराइल और एक्शन क्या लेता है ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि अभी जो बॉम्बिंग करी थी ईरान ने इसराइल की, उसके खिलाफ अभी कुछ किया नहीं है इसराइल ने। देख अब ये देखने वाली बात है ये क्या करते हैं, फिर उसका रिटेलिएट वो क्या करते हैं ईरान वाले, अब ये बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। अगर ये कुछ भी अब ये एस्केलेट होती है वॉर, अब ये और आगे बढ़ते हैं तो ये मान लीजिए इसमें नुकसान ही नुकसान है दुनिया का, क्योंकि इससे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगी, कच्चे तेल की प्राइसेस जैसे ही बढ़ेगा पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी। ये मान लीजिए जो देश कच्चा तेल बेच रहे हैं वो तो मालामाल हो जाएंगे, लेकिन जो यूज़र हैं, जो ख़रीदते हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उन देशों के लिए, क्योंकि ये जब रेट बढ़ेगा तो सीधे महंगाई बढ़ेगी अन्य चीज़ों की, और इससे लोगों के बीच में महंगाई महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा महंगाई की वजह से कि लोगों की जॉब्स भी जाएंगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अगला मूव क्या होता है और ये क्या चीज़ दुनिया के सामने एक नई चीज़ पेश होगी, अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब इस पर कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।